नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज 12 सितंबर रात को 10 बजे एप्पल का जो 15 प्रो एंड अल्ट्रा वॉच 2 जो है एप्पल ने लॉन्च कर दिए। तो आज हम बात करेंगे 15 की, उसमें आपको नया क्या मिलता है और पुराना एप्पल ने आपको क्या जो है नए वर्ड्स यूज करके चिपकाया है। मेरा नाम है गौरव तिवारी, आप देख रहे हैं जी टेक इन्फॉर्मेशन। तो बात करते हैं 15 की आईफोन की, उसमें आपको जो बॉडी मिलती है बाहर, जो आईफोन की बॉडी है 75% रिसाइकल्ड एल्युमिनियम से बनी गई है वो बॉडी। तो आपको जो है एनवायरनमेंट को भी जो है हार्म नहीं है, काफ़ी रिसाइकल्ड जो 75% जो है एल्युमिनियम आपको जो यूज़ कर रहा है फ़ोन में वो एप्पल रिसाइकल्ड यूज़ कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात एप्पल की है। तो उसी के साथ आपको मिलता है उसमें 6.1 इंचेस का बेसिक जो एप्पल का साइज़ रहता है वही साइज़ मिलता है आपको फ़ोन का। और नया उसमें जो आपको मिलता है उसकी बात करते हैं अपन, तो जो 14 प्रो की डायनेमिक आइलैंड था वो अब एप्पल ने जो है आईफोन 15 में डाल दिया है। जो नॉच थी वो अब एप्पल ने हटा दिए, बिल्कुल भी बेसिक फ़ोन से भी जो है एप्पल ने हटा दिए, तो ये एक अच्छी बात है। आपको 14 प्रो वाली जो फीचर्स हैं वो आपको 15 में मिल रहे हैं। प्रो वाले जो बंदे होंगे जो प्रो यूज़ करते हैं जैसे मैकबुक प्रो, आईपैड प्रो, आईफोन प्रो, तो उनको जो है एप्पल लालच दे के प्रो में ही ले जाएगा, क्योंकि उनको जो है अलग अलग और नए जो है उनका जो प्रोसेसर है वो भी नया है और जो फीचर्स है जो अपडेट किए हैं एप्पल ने फ़ोन में वो भी नए हैं। तो जो प्रो वाले बंदे वो तो वही करेंगे, पर जो बेसिक वाले हैं उनको भी अब इस एक साल बाद जो है वो प्रो वाले जो है फीचर और अपडेट अपने आईफोन में मिलते हैं। तो डिस्प्ले की अपन बात करें तो डिस्प्ले आपको मिलता है सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलता है। उसी के साथ आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं मिलती है, आपको 60 हर्ट्ज बेसिक रिफ्रेश रेट जो है आपको इसमें देखने को मिलती है। बट इसका जो ब्राइटनेस है वो 1600 नेट्स की है और आउटडोर पीक ब्राइटनेस इसकी जो है 2000 नेट्स तक जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगी कुछ भी आईफोन में देखने में और पढ़ने में और फ़ोन को यूज़ करने में, चाहे आप कितनी ही धूप में इसको यूज़ करो आपको ये परफेक्ट जो ब्राइटनेस है वो प्रोवाइड करता है। तो उसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं अपने एक और फीचर के साथ, अल्ट्रा वाइड ब्रांड चिप आपको इसमें इंट्रोड्यूस की है एप्पल ने। इसका वर्क मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मेन वर्क है वो नेविगेशन का है। नेविगेशन आपको इन्हेंस करके आपके एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाती है ये चिप। और जो एप्पल की अदर एक्सेसरीज़ है जैसे एयरटैग है और उनके साथ जो इनकी इसकी आईफोन की कम्युनिकेशन है उसको और बेहतर करती है, ताकि आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो आईफोन के रिलेटेड और उसके जो है और बेटर करता है। तो एक जो थर्ड फीचर है मेन जो पूरे साल इसकी हाइप रही है, USB टाइप सी जो है एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया आईफोन्स में, सभी आईफोन्स में। तो ये एक अच्छी बात है, आप अगर यूज़ करते हो आईफोन तो आपको अब जो है अलग अलग चार्जिंग ब्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही अडेप्टर लेना है और आप सब अपने जो है आईफोन 15 आईपैड और मैकबुक और सेकेंड जनरेशन के जो एप्पल एयरपोड्स प्रो है वो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। उसमें भी टाइप सी अपडेट आ गया है, अपग्रेडेड दे दिया है उन्होंने, तो वो भी आप इसके साथ जो है चार्ज कर सकते हो। ये एक झंझट लंबे टाइम के लिए अच्छा है, पर जो मेरे जैसे हैं जिनके पास पुराने एप्पल के एक्सेसरीज हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है बुरा है, क्योंकि अगर अब अपडेट करेंगे तो सारी एक्सेसरीज जो है काम की नहीं रहेगी, अपने को नई वापस एक्सेसरीज लेनी है। क्योंकि मेरे को भी सूट करने में जो है अडेप्टर लगते हैं और उसमें जो है 3.5 mm का जैक अलग लगता है, तो वो मेरे को अब सब जो है चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी मेरे लिए। अब कर लेते हैं प्रोसेसर की बात, आईफोन 15 में कौन सा प्रोसेसर आपको देखने मिलता है। आईफोन 15 में आपको देखने को मिलता है आईफोन 14 प्रो का जो 16 बायोनिक चिप था आपको अब 15 में देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस में कोई इसमें लैग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा,
बिल्कुल आप बिंदास हो गए, इसको जैसे तैसे यूज़ करना आप इसको कर सकते हो, ये कभी पीछे नहीं हटता है अपनी परफॉर्मेंस से और ना इसकी परफॉर्मेंस जो है कम होती है। तो इसमें जो है आपको इतने सारे कलर मिलते हैं, 5 कलर के ऑप्शन हैं और ये एप्पल ने नए बनाए हैं। पिंक जो है अब इंट्रोड्यूस किया है एप्पल ने, तो देखने में सभी अच्छे लग रहे हैं। उसी के साथ आपको तो अब कब कर लेते हैं कैमरे की बात, तो कैमरे आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है सुपर हाई रेजोल्यूशन 2x टेलीफोटो लेंस के साथ। तो अब आप अगर फ़ोटो खींचेंगे आईफोन 15 से तो बहुत जो है इन्हेंस हो गया, आपको फ़ोटो मिलेगी। जो प्रो फ़ोन थे उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो अब इस फ़ोन में आपको 15 में देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है आपको इसके फ़ोटो के साथ रहेगा, काफ़ी डिटेल्ड फ़ोटो ये आपको निकाल के देता है आईफोन 15। तो इसमें बहुत सारे इसके जो है फीचर हैं ये रहे। तो इसके साथ अगर अपन आगे की बात करें, एक और फीचर इसके साथ ऐड किया है एप्पल ने कि अगर आपने फ़ोटो ले ली है और आपको फोकस चेंज करना है, किसी और सब्जेक्ट पे आपका फोकस करना है, तो वो भी आप अब कर सकते हो। क्योंकि जो पुराने आईफोन्स हैं, पुराने नहीं, जो इस ये जो अपडेट है वो सभी आईफोन्स में आ जाएगी, तो उसके साथ जो है आप फोकस जो है अपना चेंज कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप कर सकते हो। जैसे आपको फोकस किसी और बंदे पे करना है तो आप वो भी फ़ोटो लेने के बाद कर सकते हो। ये एक अपडेट नया एप्पल ने दिया है। तो उसी के साथ जो है ये तो ये थी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।